अब्दुल्ला कहते हैं कुर्बानी के लिए सबसे अफजल जानवर कौन सा है और कुर्बानी का सवाब के लिए कौन से लोग लोगों कौन से लोगों की तरफ से करें वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया अफजल जानवर क़ुरबानी के लिए आम तौर पर जो है वो वैसे तो सभी जानवर किए जा सकते हैं जो जो जिन जिनकी इजाज़त है लेकिन आमतौर पर दुम्बा जो चक्की वाला जो दुम्बा होता है उसके बारे में कहा जाता था कि ये इसका अफजल है इसकी कुर्बानी करना क्योंकि ये जो मेंढा होता है जिस दो दुम्बा भी कहते हैं ये इसके ऊपर कि ऊन होती है और ऊन के रेशे होते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यह हदीस बयान की थी, थी कि हर एक बाल के बदले कुर्बानी के हर एक बाल के बदले में नेकी मिलती है हर एक बाल के बदले में एक हसना मिलती नेकी मिलती है तो उस पर साहबा कराम रिजवानल आलि मजमैन ने सवाल किया था कि फ़मा सूफ कि जिनके ऊपर ऊन होती है वहाँ तो बाल नहीं होते तो फमह तो ऊन के बारे में क्या हुक्म है अब ऊन का पूरा वो एक जो है वो एक गुच्छा वो एक शुमार होगा या उसके अंदर जो रेशे हैं वो अलग शुमार होंगे तो उस पर नबी पाक सल्ल फरमाया था बिकुलशारत मिनसूफ हसाना कि जो सूफ है उसके हर अर जो जो बाल है न एक एक रेशा उस एक, एक रेशे के बदले में एक रेखी मिलती है इसलिए उम्मत के अंदर ये चला आ रहा है कि ये जो दुम्बा होता है इसकी कुर्बानी करते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक तो वो ऊन होती है उसके ऊपर चक्की होती है और चक्की के ऊपर भी ऊन होती है तो लिहाजा नेकियों में ढेर की ढेर नकियाँ इसलिए जो है उसका एहतमाम करते हैं आज कल ज़माने में मैंने ज़्यादा देखा सुना नहीं लेकिन यह कि पहले ज़माने में दुम्बे हमारे मुल्कों के अंदर हमारे बचपन में बहुत दुम्बे का एहतमाम किया जाता था बना से जाके घुघरू डाल के उसको लेके फिरते रहते थे हार डाला होता था उसकी चक्की ले उसकी हिलती थी बकायदा बच्चे जो इंजॉय कर रहे हैं या उसको ले लेके फिरते थे तो मकसद उसमें यह होता था कि ये ज्यादा से ज़्यादा अजर स्वाब मकसूद हो लेकिन आज कल लोग जो है वो अजर शवाब से ज़्यादा खाने पीने की फिक्र करते हैं लिहाजा वो कह यार बकरा करो बकरा बकरे का गोश्त खाएंगे यार बकरा करो वो खाने का हमारी नीयत भी ना खालिस हो गई हैं कुर्बानियों की भी मुनाफी आ जा हमारे सामने ही है लेकिन बहरहाल तो ये जानवर जो है वो दुम्बे को जो है अफजल समझा जाता था और कर्ानी का अजर सवाब इस साल स्वभा के लिए किसके लिए वो मैंने आज बज़ेवर के मसाले में बताया इस साल वाब के लिए अपने मरहूमिन के लिए वालदेन के लिए अपने पीर मुरशद के लिए फिर इसी तरीके से जो है नबी करीम सल वसलम के लिए अजवाज मुतःारात के लिए साहबा के लिए खुलफा राज़दीन के लिए अहैद के लिए इमाम हसन हुसैन के लिए तो ये सारा इतना बड़ा जख़ीरा है कि जिनकी कुर्बानियों से दीन आज हम तक पहुँचाए फिर अलिया कामिलीन हिन्दो पाक के अंदर तो ख़ास तौर पर हिंदो पाक बर सगीर के अंदर जो है अलिया की मेहनत और हैं कि वहाँ पर दीन इस्लाम का परचम बुलंद हुआ सुल्तान हिंद ख़्वाजादी चिश्ती रमतल के लिए कुतब काकी के लिए तो बहुत बड़ी फहरिस्त है तो जिसकी जितनी ज़्यादा ज्या ज्यादा तोफ़ी हो उन लिए क़ुरबानियाँ करें फिर आया आयमा जो है जो जो वो फ़ा के जो आया हैं फ़ा इस्लाम इमाम अब हनीफ़ा इमाम मालिक इमाम शाफी इमाम इबन हम्बल इनके लिए फिर ये है, इमाम 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 तिर्मजी। कि मुहदसन इमाम बुखारी इमाम उसी इमाम तिरमजी कैसे कितने लोग हैं ये सब के लिए आप जो अप, अपनी लिस्ट बना के अपनी तोफ़ी के मुताबिक कुरबानियाँ करते रहें तो इन शाला आप देख के भी उसकी बरकतें हर तरह अल्लाह ताली आपको खूब बरकतें अता फ़रमाएंगे